हिमाचल प्रदेश के चंगर क्षेत्र के किसानों पर टूट रहा है मुसीबत का पहाड़। लगातार तबाह हो रही है मक्की की फसल। जहां पहले मक्की की फसल को सुंडी ने बर्बाद कर दिया, वहीं लगातार चल रहे तूफानों की वजह से भी मक्की की फसल तबाह हो चुकी है। वहीं किसानों का कहना है कि लगातार पड़ रही बारिश की वजह से भी मक्की की फसल तबाह हो रही है। जहां जंगली जानवर लगातार मक्की की फसल को बर्बाद कर रहे हैं, वहीं सुंडी, तूफान, लगातार हो रही बारिश और जंगली जानवर ये किसान के लिए मुसीबत बने हुए हैं। क्योंकि आपको बता दें कि सिर्फ मक्की की फसल ही चंगर क्षेत्र के किसानों की मुख्य फसल है। यदि यह फसल बर्बाद हो जाती है तो किसानों के पास जिला बिलासपुर खाने का और कोई जरिया नहीं रहेगा। हमारी जो मुख्य फसल मक्की की होती थी और ये सारी ढल चुकी है, ना इसके घास रहा, ये ना दाने रहे इसके। अब बताओ सरकार से मांगे करते हुए कि पहले इसके ऊपर कीड़ा लग रहा और अब तूफान ने सारी फसल डाल दी, इसलिए सरकार मुआयना करके कुछ ना कुछ क्षतिपूर्ति करें। धन्यवाद। देखिए, जो हमारे इलाके की जो हमारी मुख्य फसल है वो मक्की की फसल होती है। पहले तो जो मक्की की फसल थी वो कीड़े की वजह से बर्बाद हो गई और जो बची खुची थोड़ी बहुत ही बची थी वो बरसात की वजह से और तूफान की वजह से सारी है जो ख़त्म हो चुकी है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वो यहाँ आके इस फसल को देखें और जो हमारे इलाके के किसान हैं उनको उचित मुआवजा देने की कृपा करें। कैंची मोड़ में सड़क पर बहता पानी